हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे। इसके लिए मैंने गोभी का फूल फूल लिया, डंठल काट दिया। एक छोटा गोभी का फूल था, आधी प्याज, दो तीन हरी मिर्चें। इसको आप चाहो तो छुरी से भी काट सकते हो। मैंने इसे मिक्सी में डालकर चलाया है। आप गोभी और मिक्सी में चला लें इसको जल्दी। इसे दो तीन बार मिक्सी को तो इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि पानी डाला नहीं है, ये बुरबुरा होगा जा रहा है। बहुत बारीक नहीं, ऐसा रखा है। और ये इसमें हम जो है मिर्चे तो अच्छी खासी पड़ी हैं, चम्मच डालेंगे। मैं नहीं है, नमक डाला और चाट मसाला आधा। इसे रोटी को आपने बेल लेते हो, जैसे आधी बेल ली, उसके ऊपर गोभी का मसाला रखेंगे। एक मुट्ठी जितना मसाला रखेंगे एक बड़े पेड़े में, और इसे ऐसे करके रैप कर देंगे। ठीक से रैप करना है ताकि खुले ना। और इसको आप पहले हाथ से थोड़ा बढ़ाइए, फिर इसे बेलन से बेल लीजिए। इसे बेलन से बारीक बेलना है। एक वाला पराठा बारीक खूब कर लीजिए, दो वाले पराठे, दो परतों वाले मोटे रह जाते हैं, तो इसलिए एक ही वाला मैं आती हूँ। खूब बारीक कर लीजिए, अभी क्रिस्पी अच्छा पूरा सिकेगा। इसे एक सा कर लिया है। घी डालकर इसे चम्मच से दबा दबा कर सेके, नहीं तो कोई भारी चीज़ रखते हैं तो वो बहुत आराम से सिक जाता है। हैंडल वाला चाय का पैन हो या कुछ भी हो, उसे रख दीजिए, साफ हो। और रोटी के एक तरफ घी डाला, दूसरी तरफ पलट दिया उसे, कुरकुरा पराठा सिक जाएगा 1-2 मिनट में। ये पराठा बहुत मज़े का लगता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप लोग जितना दबा दबा कर सेकेंगे कच्ची नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी बारीक है, वो पराठे के साथ सिक जाएगी। इसमें अपने हिसाब से